ये हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचे, थोड़े से ना मामूली से पैसे पूरे हो गए इस जगह पे आके, और सेकंड डेस्टिनेशन शुरू होती है यहाँ से। और ये थी हमारी सेकंड डेस्टिनेशन, यहाँ से शुरू होती है, और अगली हमारी जो डेस्टिनेशन थी ये है। ये इधर व्यूज चेक करें, और वो पीछे, हाँ ये पीछे कासल है जहाँ हमने आखिरी दिन जाना है, क्योंकि आखिरी दिन के टिकट बुक हुए हैं। हाँ जी, हमारी आज की फर्स्ट डेस्टिनेशन ये है। ये बीच में से इधर से ना जाता है ये रास्ता, ये वैसे अमूमन पानी में बिल्कुल ना डूबा होता है और तकरीबन ना एड़ियों तक पानी होता है, लेकिन आज वो गर्मियों के दिन है इसलिए ये पानी में नहीं डूबा हुआ। और वो जो पीछे कासल नज़र आ रहा है ना, हमने कासल पर जाना है, तो ये रास्ता बड़ा ही खूबसूरत रास्ता है, ऐसे चल के सीधा समंदर के बीच में से कासल पे जाता है। ये वैसे दोनों साइड पे पानी होता है और थोड़ा सा रास्ता भी पानी में डूबा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम गर्मियों में पानी थोड़ा सा लेवल नीचे गया हुआ है, लेकिन रास्ता तो जा रहा है ना। Like you, be strong. ये अब हम कासल के अंदर आ गए, ये पीछे कासल है लेकिन इसका रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इधर से लेफ्ट साइड से जाता है, तो आगे अब कासल के अंदर जाना है ऊपर। आज आखिरी दिन भी थोड़ी सी हाइक आ ही गई है, लेकिन ये हाइक थोड़ी सी मज़े की होगी क्योंकि इधर वो स्टेप वगैरह बने होंगे। तो चले अब चलते हैं कासल के अंदर। हाँ जी, ये कासल के थोड़े से करीब हम पहुँच के, ये 1878 में बना था, और इसके ये चारों तरफ इन्होंने ये तोपें लगाई हुई हैं हर तरफ, और काफ़ी हाइट पे बनाया गया ये कासल, जिसमें उन्होंने डिफेंड पॉलिसी को बड़े अच्छी नज़र आ गए इसको बनाया गया कि हर तरफ से मतलब इस तक पहुँचना नामुमकिन है, क्योंकि चारों तरफ इसके ना इन्होंने एक एक मीटर के फासले पर तोपें लगाई हुई हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह इन्होंने सोच के बनाया है कि चारों तरफ से ना इस कासल में कोई भी नहीं पहुँच सकता। तो ये पीछे है, अब इसके बाद हम कासल के अंदर जा रहे हैं, लेकिन आप इसके इधर हर तरफ से ना व्यूज चेक करें, चारों तरफ इसके समंदर है। कासल के अंदर इन्होंने ये एक पड़ी हुई है, इस पर बिस्मिल्लाह और कलमा लिखा हुआ है। मुझे लगता है ये किसी मुस्लिम को लूटा हुआ है इन्होंने, क्योंकि शुरू से ही लूटने की आदत थी इनकी। ये इन्होंने छोटा सा म्यूजियम बनाया हुआ है, ये तलवार है, ये गन्ने पीछे लग जाएंगे। वास्को डी गामा की गन, किसके मामा की, नहीं वास्को डी गामा की। To dream, believe, you are the
Superhero. हाँ जी, ये हम कासल के फुल टॉप पे चढ़े। अंदर अभी आपने देखा है म्यूज़ियम पे जो उन्होंने चोरी की चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो ये सारा पीछे कासल है, कासल की टॉप है। कुछ जगह बंद की हुई हैं लेकिन ज़्यादातर खुला हुआ है, और काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है और बहुत ज़बरदस्त है। ख़ास तौर पे विंडसर कासल या बकिंघम कासल से तो अच्छा ही है। तो इधर ये बिल्कुल ऊपर टॉप से ये पीछे व्यूज़ हैं, ये आप व्यूज़ देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कासल है। मुझे वैसे कासल पसंद नहीं है, लेकिन ये वाला बहुत पसंद आया क्योंकि काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत कासल है। अभी विज़िट कर चुके हैं हम कासल, उसके बाद अब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी मज़े के सीन है, वैसे वापस जाने लगे थे लेकिन अब कासल का टिकट लिया हुआ है, उसके पीछे इधर बैठने की जगह है, साथ में एक छोटा सा कैफ़े भी आया था और वेजिटेरियन पेस्ट्री मिली है। यहाँ से बेस्ट रोल है वेजिटेरियन सॉसेज रोल, लेकिन इनकी जो पेस्ट्रीज होती हैं पेस्ट्री में ही बना हुआ है, तो बेस्ट गर्म फ्रेश और हवा बड़े मज़े की है, बड़े मज़े के सीन है। इसके बाद हम अब सेकेंड लोकेशन पर चले हैं, और सेकेंड लोकेशन शुरू होती है यहाँ से, हमारी दूसरी लोकेशन शुरू होती है यहाँ से। ये हमारी दूसरी डेस्टिनेशन थी, क्योंकि आज वापस जाना है तो इतनी खास डेस्टिनेशन नहीं है, ये रास्ते में ही एक आती थी तो सोचा है इसे भी देख लें। इसे आई थिंक गुआनापिट कहते हैं, रुद्रत विलेज है उसमें है। तो ये उनकी कोई हॉली प्लेस है, उन्होंने बनाई हुई है, डोनेशन वगैरह लगा के काफ़ी तस्वीरें वगैरह भी बनाई हुई हैं, ये आप चेक करें, बड़ी खूबसूरत नज़र आती है। तो इसके मैं भी दिल है ड्रोन शॉट लूँ, ये आप ड्रोन शॉट चेक करें। Thank you.
आज की आखिरी डेस्टिनेशन ये है, इसके बाद डिनर करेंगे और फिर घर जाएंगे। इसका नाम है चैटर जॉर्ज। ये ऐसे जिग-जैग में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो काफ़ी बड़े पहाड़ हैं, लेकिन इधर मैं सोच रहा हूँ कि ड्रोन अगर काफ़ी ऊंचाई है तो ड्रोन शॉट अगर लिए तो वो आउट ऑफ सिग्नल चला जाएगा, क्योंकि कल भी पत्थरों में एक जगह उड़ाया था वो हेटर रॉक्स में, तो उधर से वो वापस चला गया था, मतलब सिग्नल चले गए थे उसके। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ एक दफ़ा उड़ा लूँ तो फिर चेक करते हैं कि ड्रोन उड़ता या नहीं चलता। लेकिन ये आज की लास्ट लोकेशन थी, काफ़ी मज़े की, मतलब ड्राइविंग के लिए स्पेशली बाइक्स और कार ड्राइविंग के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है। अब मैं रोड के दरमियान में खड़ा हूँ, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, लेकिन मैं आपको अभी इसके सिनेमैटिक व्यूज़ दिखाता हूँ। अगर ड्रोन उड़ा तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल से ही जितने सिनेमैटिक व्यू आते हैं ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम आज का आखिरी दिन, आखिरी डिनर कम लंच या लंच कम डिनर करने आए हैं ब्रिस्टल में, क्योंकि रास्ते में ही आता था तो सोचा कोई अच्छी हलाल जगह चले जाएंगे तो जाते हुए कुछ अच्छा खाना खा लेंगे, तो इसलिए ब्रिस्टल शहर में आए हैं। पहली दफ़ा देखा है, ये भी काफ़ी बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत शहर है, देखने में तो लंदन से अच्छा ही लगता है क्योंकि इधर अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हैं और बड़ा बहुत खूबसूरत, लंदन से काफ़ी तरह अच्छा शहर लगा मुझे तो पर्सनली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन अभी हम जा रहे हैं एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट पे जो हलाल मिल गया इधर, क्योंकि बड़े शहरों ने का यही फ़ायदा है कि जितना बड़ा शहर उतना ज़्यादा फ़ायदा, तो अभी आपको दिखाते हैं मैक्सिकन फूड। ब्रिस्टल में हमने डिनर किया और उसके बाद नॉन स्टॉप 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम अपने शहर में आ गए और 4 दिन का ट्रिप पता भी ना चला और मुकम्मल हो गया। अगर आपने ये 4 दिन इकट्ठे देखे हैं डे 1 से लेकर डे 5 तक, तो हम आपके बड़े मशकूर और ममनून हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप अभी जाके बाकी इसके जो पीछे 3 एपिसोड हैं या 3 और व्लॉग हैं वो भी देखें, वो पूरी एक स्टोरी है डे 1 से डे 2 डे 3 एंड डे 4। तो अगर आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर नहीं आया तो फिर भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो हम मिलेंगे अगली एपिसोड में। सी यू इन द नेक्स्ट मिशन।